रेडी हो ना सब, स्टार्ट कर दूं। दोस्तों आज की मेरी इस वीडियो में बेहद ज़्यादा चौंका देने वाले फैक्ट्स हैं। ऐसी इन्फॉर्मेशन का कलेक्टेड डेटा है, अगर सब तक ये बात पहुंच गई तो इन सभी फर्जी लोगों का जो झूठ के बेस पर सबको कंट्रोल करना चाह रहे हैं, इन सभी का धंधा बंद हो जाएगा। आज मीडिया, टीवी चैनल्स और फैक्ट चेकर्स ही दुनिया की लगभग सारी इन्फॉर्मेशन फ्लो को कंट्रोल करते हैं। अगर हम थोड़ा सा पिक्चर को जूम करें और देखें आखिर जो ये बनावटी और नकली बातें बोल रहे हैं इसके पीछे किसका हाथ है और किस बेसिस पे फेक न्यूज बना रहे हैं, क्या इन्हें कोई कंट्रोल कर रहा है? पनीर टिक्का और इस डिप्रेशन की बीमारी के लिए इतनी ज्यादा फेक न्यूज क्यों क्रिएट करी जा रही थी? कौन इंडियन मीडिया और वर्ल्ड की मीडिया को कंट्रोल कर रहा है? कौन ये डिसाइड कर रहा है पूरे इंटरनेट एंड टीवी में क्या सही है और क्या गलत है? यही अब मैं आपको बताऊंगा, तो आप सभी लोग ध्यान से सुनना। सबसे पहले आप ये नाम सुनिए, पॉइंटर इंस्टीट्यूट। इसमें $383,000 ब्लैक ने दिया है। ब्लैक ये इंसान है जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। इसके अलावा $1.3 मिलियन दिए हैं जॉर्ज सोरोस एंड ओमिदियार इंस्टीट्यूट ने मिलकर पॉइंटर इंस्टीट्यूट को, और ये बस उतना अमाउंट है जितना वेबसाइट ने मेंशन करा है, रियल अमाउंट किसी को नहीं पता। अभी पॉइंटर इंस्टीट्यूट है क्या, इससे क्या हो रहा है और क्यों मैंने आपको इसके बारे में अभी बताया, और ये कैसे हम सबकी जिंदगी में बेहद बड़ा प्रभाव डाल रहा है और कैसे दुनिया के हर एक मीडिया को कंट्रोल कर रही है, ब्लैक, जॉर्ज सोरोस एंड ओमिदियार इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर, ये जानने के बाद आपको रियलाइज होगा इतने सालों से कितने बड़े झूठ हमसे बोले गए हैं। कोई भी डेटा क्रॉस चेक करने के लिए इंटरनेट में फैक्ट चेकर्स होते हैं। आपने इनमें से किसी ना किसी का तो नाम सुना ही होगा, थॉमसन राइटर्स, पॉलिटिक फैक्ट, क्विंट का वेबकूफ, ऑल न्यूज एसेट्रा। इनमें से किसी ना किसी का आर्टिकल आपने लास्ट ईयर्स में कभी ना कभी तो पढ़ा ही होगा, जिसमें ये लोग फैक्ट चेक करके बताते हैं क्या बात सही है और क्या बात गलत है इंटरनेट पर। अब अगर आप कोई भी न्यूज़ ले लें, चाहे पॉलिटिकल है या फिर बायोलॉजिकल है, कोई भी फैक्ट है, अगर आप उसे क्रॉस चेक करना चाहते हैं तो आप ऑब्वियसली उसके बारे में गूगल में सर्च करोगे। चलो फॉर एग्जाम्पल आपने ये सर्च किया पनीर टिक्का स्कैम है, तो सबसे ऊपर गूगल रिजल्ट जो आएंगे तो वो है इन फैक्ट चेकर्स के आर्टिकल्स एंड पेजेस, और जब आप वो खोलोगे तो आप इनमें से किसी न किसी फैक्ट चेकर की वेबसाइट में पहुंच जाओगे जो लगभग सारी इंटरनेट की इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करती है और इनके हिसाब से ही सही और गलत डिसाइड होता है। क्या रियल इन्फॉर्मेशन है और क्या मिस इन्फॉर्मेशन है, ये कौन डिसाइड करता है? ये फैक्ट चेकर्स। और ये वेब सर्च ही नहीं, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, जितनी भी बिग टेक जायंट्स हैं, ये उनके भी फैक्ट चेकर्स हैं। और कौन सी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचनी चाहिए इन प्लेटफॉर्म्स के द्वारा, उस पर इनका पूरा कंट्रोल है। और एक फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ, 2022 में 99% कंट्रोल पूरे इंटरनेट की फैक्ट चेकिंग का इन सभी फैक्ट चेकर्स पर आ चुका है। तो इस हिसाब से ये लोग कोई भी इन्फॉर्मेशन जो कि इनकी पॉलिसीज के हिसाब से सही नहीं होंगी वो टेक डाउन कर सकते हैं। जैसे मेरी लास्ट वीडियो खरीदी थी, चाहे वो पनीर टिक्के की टेक्नोलॉजी का इन्वेंटर ही क्यों ना हो, उसे भी मिस इन्फॉर्मेशन का झूठा नाम देके हर जगह से टेक डाउन कर दिया। मैंने आपको इतना तो समझा दिया क्या सही है और क्या गलत है, ये कौन डिसाइड कर रहा है इंटरनेट में, पर इन सभी फैक्ट चेकर्स को फंडिंग या फिर पैसा कहां से मिल रहा है, कौन इन सारे फैक्ट चेकर्स का मेकर है और कौन कंट्रोल कर रहा है इन सभी को? जो इन्फॉर्मेशन अब मैं आपको बताऊंगा एकदम ध्यान से सुनना, बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने पॉलिटिक फैक्ट फैक्ट चेकर का नाम तो सुना ही होगा, वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्ट चेकर है जो वर्ल्ड के फैक्ट चेकिंग में डोमिनेंट है। अब देखते हैं इस फैक्ट चेकर ऑर्गेनाइजेशन का ओनर कौन है, विकिपीडिया में देखते हैं, तो इसका ओनर है पॉइंटिक फैक्ट इंस्टीट्यूट। ऐसे ही पॉइंटिक फैक्ट इंस्टीट्यूट इन सभी जितने भी वर्ल्ड की टॉप फैक्ट चेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, इन सभी का हेड बन रहा है। पॉइंटिक फैक्ट इंस्टीट्यूट हेड है वर्ल्ड की टॉप 108 फैक्ट चेकिंग वेबसाइट्स का। जितने भी टॉप लेवल फैक्ट चेकर्स हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, इवन टीवी प्लेटफॉर्म्स के, इन सभी के फैक्ट चेकर का हेड है पॉइंटर इंस्टीट्यूट। अभी पॉइंटर इंस्टीट्यूट है क्या, कौन है ये लोग, कहां से इतनी ज्यादा पावर आ रही है इन पे, उसको जानते हैं एकदम गहराई से। पॉइंटर इंस्टीट्यूट ने एक नेटवर्क क्रिएट करा है जिसका नाम है IFCN नेटवर्क, इंटरनेशनल फैक्ट चेकिंग नेटवर्क। अब जिस फैक्ट चेकिंग वेबसाइट को फेमस होना है, IFCN सर्टिफिकेट होना ही चाहिए, क्योंकि 2016 के बाद से ही फेसबुक ने इसके साथ टाई अप कर लिया था। ठीक है, इतना क्लियर है, इसका मतलब आपके पास IFCN सर्टिफिकेट होना ही चाहिए अगर आपको कोई भी फैक्ट चेकिंग वेबसाइट चलानी है, बिकॉज उनकी तरफ से बहुत सारी फंडिंग आती है, पर उसकी बस एक कंडीशन है, अगर आप उनके रूल्स का गुलाम बनना चाहते हैं तो आप फंडिंग एक्सेप्ट करके उनके हिसाब से चल सकते हैं। चाहे कितनी भी सही इन्फॉर्मेशन क्यों ना हो, अगर IFCN के मीजर्स के हिसाब से गलत है, मीन्स इन फैक्ट चेकिंग वेबसाइट को उन्हें फॉल्स लिखना ही पड़ेगा। यहाँ फैक्ट मैटर नहीं कर रहा है,
एक्चुअली यहाँ पे शासन चल रहा है बायस्ड इन्फॉर्मेशन का फंड के बेस पे, और इन सब के बाद वो लोग इनका सर्टिफिकेट रिव्यू करते हैं, तभी काम मिलता है ट्विटर, फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पे। फिलहाल IFCN नेटवर्क में इंडिया की 16 फैक्ट चेकिंग वेबसाइट शामिल है, द क्विंट, टीवी टुडे नेटवर्क, ऑल्टर न्यूज, द लॉजिकल इंडियन, बूम इंडिया, फैकल्टी मीडिया एंड रिसर्च, फर्स्ट चेक, न्यूज मोबाइल, न्यूज चेकर, और इन सभी फैक्ट चेकर का नाम आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। इसका मतलब इंडिया के सारे जितने भी बड़े फैक्ट चेकर हैं IFCN के अंडर आते हैं, और IFCN कौन चलाते हैं? पॉइंटर इंस्टीट्यूट। इतना समझ गए? अब ये देखते हैं पॉइंटर इंस्टीट्यूट को फंड कौन करता है और कौन कंट्रोल करता है, सबसे ज़्यादा कंट्रोल किस पर है पॉइंटर इंस्टीट्यूट का और कौन उसका इन्वेस्टर है। सबसे पहले नवंबर 2015 में ब्लैक ने $383,000 की ग्रांट दी थी इस इंस्टीट्यूट को। इस फंड की मदद से पॉइंटर इंस्टीट्यूट का ब्लैक से टाइप हुआ था हेल्थ सेक्टर में फैक्ट चेकिंग के लिए। और मजे की बात यह है, TampaBay.com, आप जिसका ये आर्टिकल देख रहे हैं, इसका ओनर भी पॉइंटर ही है। इसके अलावा 2017 में जॉर्ज सोरोस और ओमिदिया इंस्टीट्यूट ने $1.3 million दिए थे। ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा अमाउंट है एक फैक्ट चेकिंग नेटवर्क के लिए। जॉर्ज सोरोस का नाम तो आपने सुना ही होगा, उम्मीद कर रहे हैं, जिसकी ओपन सोसाइटी फाउंडेशन है और जो पूरी दुनिया में पनीर टीका लगाना चाहता है। ये इंसान ब्लैक का खास दोस्त है। 2021 में दोनों ने मिलकर $41 million लगा दिए थे यूनाइटेड किंगडम बेस्ड मोलॉजिक नाम की कंपनी को खरीदने के लिए, जो कंपनी इस बीमारी के लिए टेस्ट किट्स बना रही है। इतना ही नहीं, जॉर्ज सोरोस ने अक्टूबर 2021 में $240 million दिए थे इस बीमारी के लिए पनीर टीका बनाने के लिए। मैं आपको ये पूरा गेम फ्लो चार्ट में समझाता हूँ। टेट्स, जॉर्ज सोरोस और ओमिदिया इंस्टीट्यूट की बहुत ज़्यादा फंडिंग जाती है पॉइंटर इंस्टीट्यूट पर। पॉइंटर इंस्टीट्यूट ने IFCN नेटवर्क बनाया है। IFCN नेटवर्क फैक्ट चेकर को IFCN सर्टिफिकेट देता है। IFCN सर्टिफिकेट्स के बिना फैक्ट चेकर्स का धंधा नहीं चल सकता, क्योंकि बिग टेक जायंट्स जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एसेट्रा, इन सभी के लिए फैक्ट चेकिंग तभी कर सकते हैं जब आपके पास होगा IFCN सर्टिफिकेट। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, अब आगे चलते हैं फ्लो चार्ट के। $4 लाख कंपनी में 2015 में लगाए थे, एंड जॉर्ज सोरोस प्लस ओमिदिया नेटवर्क ने $1.3 million। इसी के साथ जॉर्ज सोरोस प्लस ब्लैक ने 2021 में $41 million में इस टेस्ट की कंपनी को परचेस कर लिया था, जिसका नाम है मोलॉजिक। उसी के साथ जॉर्ज सोरोस ने $250 million लगाए थे पनीर टीका में। अब इस फ्लो चार्ट को आप अगर इंटरकनेक्टेड वे में देखोगे तो आपको पता लगेगा फैक्ट चेकर्स कुछ करके पनीर टीके को सही प्रूफ करके ही रहेंगे, बिकॉज उनके इन्वेस्टर वो लोग हैं जो पनीर टीके के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स हैं। उसी के साथ टेस्टिंग किट कंपनी को खुद ओन करते हैं। इस वजह से कोई भी इंसान पनीर टीका या फिर इस डिप्रेशन की बीमारी के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकता, वरना उस इंसान को बैन कर दिया जाता है। ये लोग पूरा फैल गए हैं और खुद ही फैक्ट चेकर्स भी हैं अपने प्रोडक्ट्स के लिए। पनीर टीका खुद बनाते हैं, फिर उसी की फैक्ट चेकिंग इन्फॉर्मेशन के लिए इन पे खुद के फैक्ट चेकर्स हैं। पूरा इंटरनेट भी इन्होंने कंट्रोल कर दिया है। धीरे धीरे ये लोग डीप जाते जा रहे हैं पूरे सिस्टम में। अब खुद सोचो, जिस इंसान का बिजनेस ही पनीर टीका बनाना है, वो इंसान कैसे एक्सेप्ट कर सकता है कोई भी इन्फॉर्मेशन जो उसके खिलाफ है। इस वजह से इन्होंने सिस्टम ही कंट्रोल कर लिया है पैसों के बेस पे, और हर जगह अपने बंदे बैठा दिए हैं जिससे पूरा कंट्रोल फ्लोइंग इन्फॉर्मेशन का इन पे आ जाए। दोस्तों, ये बेहद ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आप हर किसी तक पहुँचाएं, जिससे लोग जाग सके और जान सके आखिर इतने सालों से कितने झूठ हम सबसे बोले जा रहे हैं, और जान सके इन सारे फैक्ट चेकर्स की असलियत। आपका साथी डॉक्टर येल्लो।